कुमाऊं का प्रवेश द्वार जसपुर आज भी अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। विकास जसपुर विधानसभा से कोसों दूर है। बदहाल पड़ी इन सड़कों को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जसपुर का कितना विकास हुआ है। जसपुर की जनता लंबे समय से जसपुर में रोडवेज बस अड्डे बनाने की मांग कर रही है, मगर रोडवेज बस अड्डा भी राजनीति की भेंट चढ़ गया है। एक स्टेडियम जसपुर वासियों को सौगात में मिला था, लेकिन आज वो भी अधर में लटका हुआ है। अधर में अटके स्टेडियम को देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि जसपुर में विकास की धार कितनी तेजी से बह रही है। चुनाव के बाद आप देख रहे हो डॉक्टर एमपी सिंह के सामने वाली सड़क है, कितना बुरा हाल है, और ये वर्तमान विधायक खुद जाकर वहाँ पर धान उड़ाते हैं। आप खुद समझ सकते हो कि एक विधायक छोटी सड़क के लिए खुद धान उड़ा रहा है। क्या विधायक निधि है नहीं? सरकार से इतनी निधि मिलती है, क्या बिना निधि के बन नहीं सकती सड़क? आपके सामने है सारी। चुनाव के समय हर बार नेता यहाँ की जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जसपुर वासियों के हाथ निराशा ही लगती है। विकास के मुद्दे पर जसपुर के नेता खूब राजनीति करते हैं और सवाल पूछे जाने पर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ देते हैं। देखिए, जब मैं विधायक था तो उस समय रोडवेज के अड्डे की जमीन भी इंगित कराई थी और उसका शिलान्यास भी हुआ था, और साथ में स्टेडियम के लिए 8 एकड़ जमीन सिडकुल से ली थी, उसका भी शिलान्यास हो गया था, 4 दीवारी भी बन गई थी। पर जब मैं विधायक नहीं रहा तो उसके बाद ये धीरे धीरे जो प्रोग्रेस थी, जो आगे बढ़ना था, वो गति ख़त्म हो गई, और जो मौजूदा विधायक हैं उनके अंदर कोई काम करने की क्षमता कहूँ या काम नहीं करना चाहते, विकास के प्रति बिल्कुल क्षेत्र को उन्होंने देखा कर रखा है, उन्होंने ध्यान नहीं। जसपुर का विकास हमारे नेताओं ने नहीं करा, यह समझ लीजिए उन्होंने करना नहीं चाहा, क्योंकि जनता अगर ये विकास करते तो जनता फिर किस बात पर इनको वोट देती। हर बार चुनाव में ये लोग वादा करते हैं कि हम लोग स्टेडियम बनवाएंगे, हम लोग रोडवेज बनवाएंगे। बताइए, अफसोस की बात है, हमारे नेताओं को इस पर ध्यान देना होगा। और भाजपा ने सिर्फ वादे करे हैं, ज़मीनी तौर पर तो कोई कार्य उन्होंने करा नहीं है। विधायक जी ने पिछले अपने 6-7 साल के कार्यकाल में जनता शहर के विकास के लिए अपना प्रतिनिधि चुनती है, और वो राजनेता जीत कर सीट पर काबिज होने के बाद उन मुद्दों को भूल जाता है जिन मुद्दों पर प्रतिनिधि चुनाव लड़ा था। आप देखना होगा कि आखिर जसपुर में विकास कार्य को गति मिल पाएगी या ऐसे ही लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। उधम सिंह नगर से पंजाब केसरी टीवी के लिए निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।